हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप करता हूं आप सब मजे में। तो गाइस, बहुत टाइम से आप लोगों ने कमेंट भर दिए थे कि काइट ब्लॉग्स कहां पर है, काइट ब्लॉग्स कहां पर है। तो फाइनली गाइस, जैसे ही मकर संक्रांति आने वाला है बहुत जल्द, अभी दिसंबर चल रहा है और 15-20 दिन रह गए हैं, तो जयपुर जाने का इस पर पूरा प्लान सेट है। हालांकि कुछ न्यूज आ रही है कि कोविड होने वाला, लेकिन उससे पहले हम जयपुर पहुंच जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले आज मैंने अपना जो स्टॉक जमा करके रखा हुआ था, जमा क्या, जो लास्ट टाइम 15 अगस्त स्टॉक बचा था, मैंने वो निकाला है। तो फटाफट ये चेक करना है कितना स्टॉक बचा है। तो ये एक क्विक स्टॉक अपडेट की वीडियो होने वाली है, तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं। तो गाइस, लास्ट टाइम हमने 15 अगस्त पे अपना सारा स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था, तो हमारा कुछ स्टॉक बच गया था जो कि मैंने पैक करके रख दिया था। तो गाइस, अब यही देखना है कि कितना सामान बचा है, उसके हिसाब से अब हम काइट शॉपिंग भी करनी है, मांजा शॉपिंग भी करनी है। तो फटाफट अभी हम अपना काइट बॉक्स ओपन करने वाले हैं और उसमें अंदर क्या क्या निकलने वाला है मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पैक करा था चीनू के साथ, फिर मैं भूल गया था। तो गाइस, फटाफट अपने काइट बैग की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कितना स्टॉक अभी हमारे पास बचा है और कितना हमें परचेस करना है। और गाइस, मकर संक्रांति के टाइम पे कौन से मांजे अच्छे चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, इसके लिए हम लेंगे अपने एक्सपर्ट एडवाइस जो हमारे काइट फाइटर इस इंडस्ट्री में है, तो उसका भी अलग से वीडियो आ जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ मेरे पास कौन कौन से मांजे बचे हुए हैं। तो गाइस, फटाफट मैं आपको ले चलता हूँ बैक की तरफ। क्या मैं कैमरे में आ रहा हूँ? तो गाइस, ये रहा अपना काइट बैग जिसके अंदर हमारा बचा कुचा स्टॉक पड़ा हुआ है। अब यही है, ये सवाल मेरे अंदर दिमाग में बहुत देर से खा रहा है कि भाई क्या ये स्टॉक हमारे मकर संक्रांति के लिए इनफ रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम इस बैग को करते हैं बॉक्स बिना किसी देरी के, और कमेंट करके बता देना बैग कैसा लगा। इसके बाद ये रहा हमारा बैग, और सबसे इतनी एक्साइटमेंट तो मुझे अपना मैकबुक का डब्बा खोलते हुए भी नहीं हुई थी जितना इसको खोलते हुए हो रहा है। हालांकि थोड़ा गंदा हो गया, इसमें धूप लगा देंगे, कैमरामैन से हम कहेंगे थोड़ा सा इसको पास लाके इसमें फोकस दिखाएं। तो गाइस, जैसे कि हमारे पीछे कैमरा के पीछे बहुत तगड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इन्होंने तुरंत कैमरामैन बोलते कैमरा का एंगल चेंज कर लिया है। तो गाइस, फटाफट बिना किसी देरी के आपको ये दिखा देता हूँ क्या क्या होने वाला है। अरे भाई साहब, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने शायद ये कैप कवर रैप किया था, और देख सकते हो कितनी जबरदस्त रैपिंग है। शायद मैंने इसका वीडियो डाला था या नहीं डाला था, मुझे याद ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहला चरखड़ा ये है अपना, वही बरेली लॉयन का, जिस तरीके से उसकी थिकनेस है मुझे लग रहा है खत्म होने वाला है। इसको भी खोल के अभी आपको दिखाता हूँ। सेकेंड ये रहा अपना निंजा, ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मैंने पैकिंग देखी कितनी जबरदस्त करी हुई है, ये तो मुझे शायद मैंने नहीं, ये मैंने वीडियो में नहीं डाला, तो देख सकते हो गाइस मैंने ऐसे पैक करके रखे हुए थे। थर्ड अपना बरेली कौन सा था, ड्रैगन, ये तो काफी बचा है, मैंने ज्यादा यूज नहीं किया था, ये 6 रील का था और इसके अंदर ऑलमोस्ट 3 या 4 रील बचनी चाहिए। उसके बाद ये रहा अपना भोपू, उस कमरे में मेरे थोड़ा घर वाले सो रहे हैं और मेरा मोर बन जाएगा अगर मैंने इसको बजा दिया। बाकी मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, ये हमारा स्पेशल भोपू है, ये इसको ऐसे बजाते थे, आप सब ने इस वीडियो में देखा होगा, इसको भी हम मकर संक्रांति में लेके जाएंगे। उसके अलावा इसको भी रखते हैं साइड, और सवाल नंबर 3 जाबाज। हालांकि इसका क्या हुआ था, लास्ट टाइम इसका रेट बढ़ गया था मार्केट में, तो मैंने पहले से स्टॉक खरीद के रख लिया था। और मैं आपको दिखा दूँ, ये रही मेरी चरखड़ी, मेरी फेवरेट चरखड़ी जिससे मैं पतंग उड़ाता हूँ, और इसमें सद्दी हमने 15 अगस्त पे पूरी खत्म करके उड़ा दी थी, क्योंकि हमने बड़ी पतंग सब सद्दी से उड़ाई थी। जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी कृपया करके जाएं और 15 अगस्त वाला वीडियो देखें। तो ये वाली इसमें डलवाएंगे पवन भाई से, काइट फ्लाइंग हाउस से, उसके बाद हम फिर रेडी हो जाएंगे मकर संक्रांति में जाने के लिए। तो गाइस, वैसे भी मैं 1 दिन के लिए जाऊंगा, क्योंकि 13 को जाऊंगा, 14 को वहां पे सेलिब्रेट करके 15 को वापस आ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 16 को मेरे पास कुछ और भी काम है। पतंग आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी बची हैं। घुटाई वाली पतंग है फुल स्टार, बहुत प्यारी पतंग है, थैंक यू सैंडी भाई इन पतंगों के लिए। और किसी को अगर ये पतंगें परचेज करनी हो तो सैंडी भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना। टाइटिज्म पे हम काइट्स नहीं सेल कर रहे हैं, मांजा सेल कर रहे हैं, तो मांजे के भी अपडेट्स बहुत जल्द आने वाले हैं। और जैसे कि हमारे 100K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 97.2 हो चुके हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए भी। बाकी ये पतंगें आप देख लो फटाफट कितनी बची हैं, सारी पतंगें मैंने उड़ा दी थी, आपने जैसा देखा होगा वीडियो में कितने सारे लोग, सारे दोस्त आ रखे थे मेरे, हमने जो भौकाल मचाया था 15 अगस्त में, तो ये देख सकते हो 10-12 पतंगें यहाँ बची हुई हैं। और जो दूसरे वाले घर से जहाँ पतंग उड़ाते हैं वहाँ पर भी 10-12 पतंगें और बची होंगी, तो मुझे लगता है सैंडी भाई के पास फिर से जाना पड़ेगा, या फिर लखनऊ संजीव भाई के पास फिर से उनसे काइट्स मंगानी पड़ेंगी, क्योंकि पतंगें इनफ नहीं होने वाली। और जो बाहर मार्केट में काइट्स मिलती हैं लोकल भाई, अब नहीं आता उनको उड़ाने में मजा, आप देख सकते हो इन पतंग उड़ाने के बाद किसी को भी मजा नहीं आता। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको मांझे अनबॉक्स करके दिखा दूँ। इसमें आप ये देख सकते हो, ये है सबसे पहले मैं जो अनबॉक्स करने वाला हूँ ड्रैगन। गाइस, एक काम करते हैं, ये लंबा टास्क है, मैं कब तक खड़ा रहूंगा, मैं बैठता हूँ और कैमरा एंगल फिर से करते हैं चेंज।
वैसे जिस तरीके से मैंने ये पैकिंग करी हुई है, मुझे मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा इनको खोलने का, बट चलो आप लोगों को दिखाना है तो इसलिए मुझे खोलना ही पड़ेगा। और यहाँ देख सकते हो स्टिकर तक मैंने काइटेजम का लगाया है इसको, उसको बांधने के लिए। ये तो फट जाएगा। ओह माय गॉड, बिल्कुल भी मन नहीं है इसको खोलने का। ये पूरा फटेगा मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं गाइस, देखी जाएगी आप लोगों के लिए कुछ भी। तो गाइस देख सकते हो ये डोर है बरेली लायन, ये सबसे पहले मुझे भेजा था फरीद भाई ने, जो पहला मेरा डोर आया था। और इसका जो एक साल होने वाला है इसको रखे रखे, और जो इसका कांटा है ना बहुत ज़बरदस्त हो गया। मैं ट्राई करता हूँ इसमें रील देख लूँ कितनी बची हुई है, क्योंकि देखो पर्ची भी दिख रही है यहाँ पे, पर्ची आने वाली है। तो ये मेरे ख्याल से दो रील के आसपास बचा हुआ है, और दो रील इनफ है। तो हालांकि मैं इसको इस चरखड़े में कैरी नहीं करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको दूसरे चरखड़े में किसी में डलवा लूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा चरखड़ा है, उसमें दो रील। बट देखते हैं, अगर मैं अपनी कार से गया तो मैं सारे ले जाऊँगा, अगर बाई ट्रेन गया या फिर बाई बस गया तो भाई मुझे इसको शॉर्ट करना पड़ेगा या फिर एक चरखड़ी छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड मैं आपको खोलूँगा नहीं यार, देखो बरेली निंजा, सॉरी क्या नाम था इसका, ये भगवान नाम भी भूल गया मैं, इतने टाइम से पतंग नहीं उड़ाई है मैंने तो। हाँ, तो अश्विनी भाई का निंजा मांझा है, और ये आप लोगों ने बहुत देखा है, सेम इसी कलर का है। इसको मैं नहीं खोलने वाला, क्योंकि फिर कौन पैक करता रहेगा। इसके अलावा जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी बरेली ड्रैगन की, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसकी कंडीशन क्या है। और काफ़ी टाइम से इसको रख भी लिया, अगस्त में ये बना था मेरे लिए, और अगस्त के बाद अब सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने से रखा हुआ है। तो अब इसकी कंडीशन चेक करते हैं, क्या इसमें कांटा बढ़ा या कम हो गया। चलो गाइस इसका भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी पर्ची आ गई है, तो मैं एक बार आपको रील बता दूं कितनी है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा रील ढूंढना, लेकिन कुछ तो हम इसमें करेंगे। कहाँ लिखा होता है रील गाइस, यहाँ फोकस करो। चलो छोड़ो, रील से हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें दो या इसमें बची होंगी 3 रील के समथिंग, कन्फर्म 3 रील के समथिंग इसमें बच रही हैं। कोई बात नहीं, इसका कांटा चेक करते हैं, क्या ये बरेली लाइन से ज़्यादा है या कम है। अरे इस दौर का मुकाबला नहीं है, पर मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है। इस दौर में इतना ज़्यादा कांटा है ना, इतना ज़्यादा कांटा मतलब इससे भी डबल है। और ये मस्त फुल इजाज बेग चरखड़ी काफ़ी सही है, ये लाइट वेट है। ये चरखड़ी तो भाई बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि ये 12 रील था और ये था 6 रील, तो ये आ गया मतलब 9 रील का चरखड़ा होगा उसमें आ गया, और कांटा इसका बहुत ज़बरदस्त हो गया। बाकी गाइस नेक्स्ट वीडियो में जब इनको धूप लगाऊंगा तो आपको प्रॉपर एक अपडेट दे दूंगा, प्लस मैं अपनी जो पतंगें वहाँ दूसरे वाले घर पे वो भी लेके आ जाऊंगा, तो कोई अपडेट मिल जाएगा करंट स्टॉक का। अभी हाल फिलहाल बस इतना ही बचा हुआ है, 15 अगस्त में मैंने सब फूंक दिया था उड़ा उड़ा के, और बचानी नीचे यार पतंगों में कीड़े लग जाते हैं, डोरे खराब हो जाती हैं, बट टेक केयर कौन करेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ लो उड़ाओ इंजॉय करो और ख़त्म करो। जमा कलेक्शन करने का मेरे को ज़्यादा शौक है नहीं, बस ये कलेक्शन करना होता है कि हाँ हर टाइम पे डोर मेरे पास अवेलेबल रहे। तो गाइज ये रहा कुछ क्विक अपडेट, और मकर संक्रांति में मैं आ रहा हूँ जयपुर। एग्जैक्ट मुझे अभी पता नहीं है, बस लॉकडाउन ना लगे, अभी कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो गाइज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मकर संक्रांति के लिए। जयपुर से जितना भी ऑडियंस है नीचे कमेंट करे मकर संक्रांति में कैसे क्या होने वाला है इस बार, और लास्ट ईयर में नहीं आ पाया था तो इस बार डबल एक्साइटमेंट है। तो गाइज फटाफट मिलते हैं जयपुर की ऑडियंस से, तब तक के लिए आपको मकर संक्रांति की प्रिपरेशन सीरीज दिखती जाएगी। पार्ट 1 ये था, इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी फर्दर, क्योंकि काइट्स खत्म होगी, काइट्स नहीं लेनी है, और कुछ मैं सोच रहा हूँ कि मांझा भी ऐड कर लूँ इस मकर संक्रांति के लिए स्पेशल जयपुर के लिए। तो गाइस चलो गाइस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट रियो द एक्सप्लोरर।